The City Congress Committee has expressed displeasure towards the policies of the state and central government regarding the rising inflation. Protests held in Jupiter Market on Saturday. The workers slammed Prime Minister Narendra Modi and said that he is working to run the cycle of repression in the entire country and the common people are completely under the grip of inflation. The workers say that since the formation of the BJP government, the prices of the food items, vegetables, petrol, diesel, LPG, CNG, PNG and other essentials are increasing widely. धारणा किया जाए तो क्या है? देखिए, मोदी की जी की सरकार केंद्र में जब से बनी है लगातार महंगाई कम करने की लोग बात करते रहे, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते रहे, छत्तीसगढ़ में तो उनके घोषणा पत्र में था, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में आज 1200 रुपए, 1100, 1200 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है रसोई गैस का, डीजल और पेट्रोल के भाव चरम पे हो गए हैं। अच्छा, डीजल और पेट्रोल का भाव केवल नहीं बढ़ता यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सामान के मूल्य पे असर पड़ता है। और आज पूरा, चाहे पेट्रोल डीजल हो, रसोई गैस हो, सब्जी के भाव हो, दाल के भाव हो, लहसुन का भाव हो, सारा भाव इस कदर बढ़ गया है कि जिस महंगाई को हम लोग कहते थे कि महंगाई डायन खाए जात है, वो महंगाई महाडायन बन करके खाए जात है हो गई। इस तरह से है। उनकी एक नेता थी स्मृति ईरानी, वो जो लगातार अपने सिर में गैस सिलेंडर लेकर के, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो नाचती थी वो कि कम करें, और आज उन्हीं के में 3 गुना बढ़ गया है रसोई गैस का रेट। तो इस तरीके से कथनी और करनी में फर्क है। और डबल इंजन की जो मोदी जी की सरकार है, उसका दमन चक्र महंगाई के रूप में, एक महंगाई के अजदहे अजगर के रूप में पूरे देश को निगलने का काम कर रहा है। उसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग आज सब्जी मंडियों में एक जनता को संदेश देने के लिए गए थे सब्जी खरीदने।